अगली बड़ी खबर बांदा से है। वहां पर जेई राम भवन और उसकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 15 फरवरी को अदालत में पेश होंगे दोनों आरोपी। सीबीआई ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बांदा की एडीजी पंचम की कोर्ट में पेश किया है। बच्चों से यौन शोषण का मामला, 15 फरवरी को अदालत में पेश होंगे दोनों आरोपी। सीबीआई ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इधर आजमगढ़ में किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। किशोरी दादा के लिए खाना लेकर घर से निकली थी। रास्ते में दरिंदों ने किशोरी को पकड़ लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सिवान के कुएं में किशोरी का शव मिला। मामला जिले के सरायमीर थाना इलाके के सिकरौर सहवरी गांव का। ये एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। इसमें लड़की का मौसेरा चाचा, जो कि रिश्ते का लगता था, उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी, उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे, जो इसका चाचा लगता है, उसे पूछताछ हेतु लाया गया था। उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी मुकदमा, इसे तरमीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे विवेचनात्मक कार्रवाई है इसमें की जाएगी।